हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बेला होस्टे 3 मेकअप प्रोडक्ट्स चैलेंज की हेल्प से आप मेकअप को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल बटन है ना, इसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरे आने वाली कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इन तीनों मेकअप प्रोडक्ट्स की हेल्प से आपको ये मेकअप लुक कंप्लीट कर दिखाती हूँ। और साथ ही एक चीज और बताना चाहती हूँ आपको दोस्तों, इसमें मैंने ये दोनों चीजें अलग से ऐड की हैं क्योंकि इन दोनों के बिना ये मेकअप लुक करना आसान नहीं था। तो आपको फेस प्राइमर के लिए पतंजलि की एलोवेरा जेल जरूर ले लेनी है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसका एक छोटा पैक भी आता है, वो भी आप परचेज कर सकते हो। और बैकग्राउंड में जो नॉइज आ रही है तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। साथ ही मैंने लिया है 10 रुपीज का ये वाइल्ड स्टोन टेल्कम पाउडर है। ये आपको क्यूट सी पैकेजिंग में मिल जाएगा 10 रुपीज के प्राइस में। तो ये दोनों चीजें मैंने इसमें अलग से ऐड की हैं क्योंकि मेरे पास बेला होस्टे का ना ही तो प्राइमर था और ना ही मेरे पास कॉम्पैक्ट पाउडर है या लूज पाउडर है, तो इसलिए मैंने ये दोनों चीजें इसमें अलग से ऐड की हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले पतंजलि की सौंदर्य एलोवेरा जेल एज अ फेस प्राइमर अप्लाई कर लूंगी अपने फेस पर। आप इस तरीके से देख सकते हो, एलोवेरा जेल मतलब एज अ फेस प्राइमर बहुत अच्छा काम करती है और प्राइमर फेस पर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है फाउंडेशन से पहले। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ बेला होस्टे का फाउंडेशन। अब मैं इसे डॉट डॉट करते हुए फाउंडेशन को अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस पर। कवरेज इसकी मीडियम है, बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं देता है ये फाउंडेशन, आप देख सकते हो। सो गाइज, मैं आपको फिंगर की हेल्प से भी इसे ब्लेंड कर दिखा देती हूँ और ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड करते हुए दिखा दूंगी। ये दोनों ही चीज़ों से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, आसानी से ब्लेंड हो जाता है ये फाउंडेशन, काफ़ी अच्छा है। तो ये देखिए कितना एफर्टलेसली ये ब्लेंड हो जाएगा, देख रहे हो आप। अब मैं ये फ्लैट फाउंडेशन ब्रश ले रही हूँ और इसकी हेल्प से भी मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। आप देख सकते हो बहुत ईजिली ब्लेंड हो गया है। तो जिन्हें ब्रश से मेकअप करना अच्छा नहीं लगता है या अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप इस तरीके से फिंगर की हेल्प से भी फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हो। इस फाउंडेशन का रिव्यू मैं अलग से शेयर करूँगी, उसके लिए वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी गाइस, अगर आप बोलेंगे तो मैं बना दूँगी। तो ये देखिए मैंने इसे लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये वाइल्ड स्टोन टेलकम पाउडर है, 10 रुपीज़ के प्राइस में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों आप चाहें तो कोई भी टेलकम पाउडर यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और इस तरीके से मैं इस टेलकम पाउडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर लूँगी। और जो भी आपके पास टेलकम पाउडर अवेलेबल हो उसकी हेल्प से आप अपने फाउंडेशन को इस तरीके से भी सेट कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने टेलकम पाउडर के हैक्स भी अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, तो आप एक बार मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ बेला होस्टे की मस्कारा, ये बेला होस्टे का मस्कारा है। और इस तरीके से मैं एक ये आईब्रो ब्रश लूँगी और इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। इस मस्कारा का भी रिव्यू मैं अपने चैनल पर बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो ये देखिए मैंने अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लिया है, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ बेला होस्टे का लिप क्रियोन है, ये मैट लिप क्रियोन है, बहुत ही अच्छा क्रियोन है गाइज, बहुत अच्छा लिप शेड है ये, आप देख सकते हो। तो इसे एज अ आई शेडो मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी आईलिड पर इस तरीके से। बहुत ही क्विकली वाला मेकअप है ये, बहुत ही कम टाइम में आप इतना अच्छा मेकअप कर सकते हो, कम प्रोडक्ट्स के साथ कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने इसे फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर लिया है और ब्रश की हेल्प से भी ये ईजिली ब्लेंड हो जाएगा। वैसे मुझे लगता है ये मैट लिप क्रियोन है तो फिंगर की हेल्प से ये ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होगा। और हो सकता है फ्रेंड्स आपको इसमें लिप शेड थोड़ा चेंज नज़र आए। अब मैं बेला होस्टे के ही मस्कारा से लाइनर ड्रॉ करूँगी, अपना आईलाइनर भी लगा लूँगी मैं इसकी हेल्प से। तो ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है गाइस, आप इसकी हेल्प से भी अपनी आईलाइनर को अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास आईलाइनर नहीं है। तो ये देखिए मैंने आईलाइनर भी ड्रॉ कर लिया है। अब मैं बेला होस्टे का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर, सेम मस्कारा है ये। और अब मैं इस लिप क्रियोन को एज अ ब्लश भी अप्लाई कर लूंगी और सभी प्रोडक्ट्स की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ बेला होस्टे का लिप क्रियोन। तो ये देखिए मैंने इससे लिपस्टिक भी अप्लाई कर ली है, तो काफ़ी प्यारा शेड है गाइस, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया है लिप शेड ये। और आप बताइएगा आपको कैसा लगा लिप शेड।
सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा ये आज का लुक कैसा लगा, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी, मैं आपसे मिलती हूँ और भी हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।